मुखबिर की सूचना पर खातेगांव पुलिस ने 3.5 किलो गांजा सहित धर दबोचा आरोपी को जेल भेजा। देवास जिले के खातेगांव पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली है कि तिवड़िया रोड पर एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल के साथ गांजे की तस्करी करने की फिराक में खड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर युवक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने आरोपी मनोज को गांजा तस्करी के मामले में केस दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे देवास जेल भेज दिया गया। दोपहर में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक लड़का, जिसका नाम भी उसके द्वारा बताया था, मनोज पिता कालूराम परमार, राजपूत समाज का, पटरानी का रहने वाला, मोटरसाइकिल पर एक प्लास्टिक थैली में गांजा रख के और खातेगांव पर बेचने के लिए आ रहा है। इस सूचना पर सब इंस्पेक्टर आरसी बिल्लोरे और स्टाफ खातेगांव से बाहर पहुंचा और तिवड़िया रोड पर, जहां मुखबिर द्वारा बताया गया, उस स्थान पर उन्होंने उसको रोककर चेक किया तो उसके पास एक प्लास्टिक थैली में लगभग 3.5 किलो गांजा मिला। गांजा रखने का लाइसेंस उसके पास नहीं था, इसलिए उसके विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गांजा जब्त कर और उसे गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज न्यायालय देवास स्पेशल कोर्ट में किया गया।